क्या कैमल की चीप कलर पेंसिल्स के साथ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। लास्ट टाइम मालविका मोहन का डोम्स कलर पेंसिल के साथ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के बाद मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया कि चीपेस्ट कलर पेंसिल्स के साथ भी रियलिस्टिक वर्क किया जा सकता है। बस जरूरत होती है राइट टेक्निक एंड पेशेंस की। बट हाँ, ये भी बात सत्य है कि हर चीप कलर पेंसिल से वैसे सेम रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, पर कुछ ब्रांड्स की कलर पेंसिल्स के साथ ये पॉसिबल है। इस बार मैंने सोचा कैमलिन कलर पेंसिल के साथ भी एक वर्क बनाकर देखा जाए कि इससे कितना बेटर वर्क किया जा सकता है। तो मैं इस बार कृति सनन का आर्टवर्क बना रहा हूँ कैमलिन ट्रायंगल कलर पेंसिल के साथ। हालांकि कुछ कुछ जगह मैंने फेबर कैसल और डोम्स के शेड्स भी यूज किए हैं अपने वर्क को थोड़ा सा इजी करने के लिए और मोर एक्यूरेट शेड्स बनाने के लिए। कैमलिन की कलर पेंसिल्स मुझे डोम्स से थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट लगी, जिससे शेडिंग करने में मुझे थोड़ा सा इजी लगा एज कम्पेयर टू डोम्स कलर पेंसिल्स। पर फिर भी इनके साथ वर्क करते हुए काफी पेशेंस रखना पड़ता है। मैं कई तरह की शीट्स भी यूज करता रहता हूँ, बस ये देखने के लिए कि कौन सी शीट्स के साथ कौन सी ब्रांड की कलर पेंसिल सबसे बेस्ट वर्क करती है। तो फिलहाल मैं आइवरी शीट ही यूज कर रहा हूँ। इसके ग्रेन्स काफी फाइन है, ऑलमोस्ट स्मूथ शीट भी कह सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। इस शीट के ऊपर मेरा ये सेकंड कलर पेंसिल पोर्ट्रेट है। आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो से प्रीवियस वीडियोस देख लेना। मैंने 7 पार्ट्स में इसके ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, या फिर आप कलर पेंसिल ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि एक हाइपररियलिज्म का कलर पेंसिल का कोर्स बनाऊं, जिसमें मैं हर एक छोटी से छोटी चीज डिटेल में समझाऊंगा। बहुत सी बेसिक प्रैक्टिसेस होंगी उसमें, और एटलीस्ट 4 से 5 अलग अलग तरह की स्किन टोन्स के पोर्ट्रेट भी बनाना सिखाऊंगा। पर वो कोर्स पेड रहेगा, बट ये गारंटी भी जरूर होगी कि जो भी वो कोर्स से सीख लेगा वो आराम से कोर्स के ऊपर स्पेंड किए हुए पैसे दोबारा री अर्न इजिली कर लेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप इस बारे में क्या सोचते हो, और कुछ सजेशन होगा तो वो भी जरूर बताना। और ये पोर्ट्रेट भी हमारा फाइनली कम्प्लीट हो चुका है। आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इसके ट्यूटोरियल्स आप जरूर देख लेना, आपको यकीनन इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।